इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में इस बार 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। बड़ी खबर आ रही है जहां एनडीए 400 सीट का लक्ष्य लेकर चल रही है। बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी ने 195 सीट पर निर्णय ले लिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने यूपी के लोकसभा प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी है। बीजेपी ने यूपी के 51 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, जहां रामपुर से घनश्याम लोधी बीजेपी के प्रत्याशी रहेंगे, संबल से परमेश्वर लाल सैनी बीजेपी के प्रत्याशी होंगे, अमरोहा से कंवर सिंह तंवर बीजेपी के प्रत्याशी चुने गए, वहीं नोएडा से महेश शर्मा, बुलंदशहर से भोला सिंह बीजेपी के प्रत्याशी चुने गए, वहीं मथुरा से एक्ट्रेस हेमा मालिनी, फतेहपुर से सिकरी राजकुमार चाहर बीजेपी प्रत्याशी चुने गए, वहीं लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा टेनी बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर चुने गए, हरदोई से जय शंकर प्रसाद रावत, मिश्रिख से अशोक कुमार रावत, अमेठी से स्मृति ईरानी चुनी गई, वहीं प्रतापगढ़ से संगम लाल गुप्ता, कन्नौज सब्र पाठक चुने गए, अकबरपुर से लोकसभा सीट से देवेंद्र चुने गए, झांसी अनुराग शर्मा, हमीरपुर कुंवर से बांदा से आर के सिंह पटेल चुने गए, वहीं फैजाबाद से लल्लू सिंह चुने गए, वहीं बस्ती से हरीश द्विवेदी, गोरखपुर से रवि कृष्ण प्रत्याशी के तौर पर चुने गए, वहीं कुशीनगर से विजय दुबे चुने गए, वहीं आपको बता दें जौनपुर से कृपा शंकर सिंह चौहान प्रत्याशी के तौर पर चुने गए। बीजेपी ने यूपी के लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, जहां यूपी के 51 प्रत्याशियों की सूची जारी हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे बीजेपी के प्रत्याशी, वहीं प्रदीप कुमार केरैना से उम्मीदवार बनेंगे, मुजफ्फरपुर नगर से संजीव बलियान बीजेपी प्रत्याशी रहेंगे, वहीं रामपुर से घनश्याम लोधी बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर चुने गए।